आर यू वर्जिन? हैव यू एवर कॉट विद योर बॉयफ्रेंड बाय योर मॉम एंड डैड? कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? ऐसा ही हस्बैंड चाहिए एकदम. ऑल बिकॉज ऑफ माई एक्सेस लव स्टोरी. एक्सेस के बारे में भी जानना है. इतनी खुश रहती. आने वाला पति भी देखेगा ना ये वीडियो. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वैष्णवी श्रीवास्तव. और मैंने गेट टू नो करा था अपने इंस्टाग्राम पे और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं. सबको जानना है मेरे बारे में. उसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा. सो गेट टू द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टडीज यू डिड आफ्टर योर 12th क्लास. मैंने मास कम्युनिकेशन करी है. आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड and I'm also doing digital marketing course. Ask about your last relationship. What was your experience? How was it mean your whole story? So relationship से related मुझे actually बहुत सारे questions मिले हैं. मैंने पढ़े थे like आपने move on कैसे किया, आपके exes के नाम क्या थे. इस इंसान को तो पकड़ूंगी, पकड़ के पीटूंगी. मत जैसे a lot of young girls जो कि कैसे move on वो कर सकते हैं. sorry मैं अपने exes के लिए इतनी thankful हूँ. यार ये कितनी awesome है यार. या आप लोग सोच रहे होंगे पागल हो गए. आई हैव डेटेड टू गाइज. या अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो माय शिट यार. मेरा आने वाला पति भी देखेगा ना ये वीडियो. आई एम थैंकफुल टू देम बिकॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन. सो होते ना आपके हाथ से कुछ जाता है फिर ऐसा लगता है फक अब तो सब कुछ हिल चुका है, अब मैं क्या करूँगी. तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एंड नॉर्मली वीडियो बनाती थी. फिर मैं 10K फॉलोअर्स, फिर 20K, 30K, 40K, मतलब लाइक फिर ऐसे टुडे वी आर एट 121K फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एक्सेस. मैं शिवजी में इतना मानने लगी. यस, मृत्युंजय जाप में करती थी. ओम नमः शिवाय 108 बार लिखना, पढ़ना, बोल. लास्ट रिलेशनशिप जो कि बहुत कम टाइम के लिए था लेकिन मैं इतनी थैंकफुल हूँ उस इंसान से. आई हैव बिकम दिस पर्सन जो कि अकेले इतनी खुश रहती है. मतलब अलोन मूवी डेट्स. आई स्टार्टेड ईटिंग अलोन. आई यूज टू बी दिस पर्सन कि मुझे ना कोई पाँच तक शॉप पे भी जाना है तो मुझे कोई चाहिए होता था कि कोई मेरे से बात करे. बट अब मेरे को मतलब आई एम हैप्पी. आई इन्जॉय माई ओन स्पेस एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी आप इतने खुश कैसे रहते हो. मैं अपने साथ खुश रहती हूँ. जब आप अपने साथ खुश रहते हो ना तो आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हो. वेरी थैंकफुल टू माई एक्सेस. एंड तुम लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा ग्रोथ करते रहो. लोगों ने पूछा है कि मैं क्या जॉब करती हूँ. सो आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू अपलोडेड योर फर्स्ट व्लॉग? आई वॉज सुपर नर्वस बट बहुत गुफ अप्स हुए थे. मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी और उसके बाद उसमें मेरी फ्रेंड का नंबर हो गया था हाईलाइट. फिर 800 व्यूज आ गए थे. फिर डिलीट करी, वीडियो अपलोड हो गई. आप लोग को बहुत पसंद आई. समवन बट शी इज फ्रॉम अनदर रिलीजन. विल मैनिफेस्टेशन हेल्प? रिलीजन डिफरेंट होना और कन्वेंस करना मुश्किल होता है. बट अगर आप डटे रहो और यू नो जस्ट बिलीव दैट कि मुझे तो इससे ही शादी करनी है. मैं तो मतलब इफ़ यू आर सो श्योर अबाउट दैट पर्सन आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ अपनी लाइफ में कि कोई आपको मना ही नहीं कर पाएगा. इतना मुझे फील होता है. लव स्टोरी. माई लव स्टोरी इज लाइक माई फर्स्ट रिलेशनशिप. इट वॉज अ चाइल्डहुड काइंड ऑफ, मतलब होता है ना 7-10 ईयर्स का. आई हैड दैट रिलेशनशिप ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज आई हैव लर्न सो मेनी थिंग. मैं उसके साथ बड़ी हुई थी ऑलमोस्ट. जहाँ भी है वो खुश रहे. डू होम टूर दीदी. ओके फॉर श्योर आई डू. योर फर्स्ट व्लॉग वॉज अमेजिंग. थैंक यू सो मच. अबाउट योर फैमिली एंड वर्क. अबाउट माई फैमिली, हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मम्मी पापा है और चाचा चाची हैं, उनके 2 बच्चे हैं. मतलब यार लाइक जॉइंट फैमिली. और मेरा एक डॉग है जिसका नाम कुत्तू है. सैलरी बॉयफ्रेंड में कौन सी क्वालिटी चाहिए? बॉयफ्रेंड किसको चाहिए भाई, हमें तो पति चाहिए. मैं सोशल मीडिया करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अंडरस्टैंड करे और मैं भी उसको इक्वली अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ. वॉन्ट हिम टू एक्सेप्ट मी द वे आई वॉन्ट एंड आई विल ऑल्सो accept him the way he is. That is all we girls want. Or also मैं थोड़ी किडिश हूँ तो मुझे pamper करता रहे बस. और दीदी आपकी हाइट कितनी है? 5 foot की हूँ बहन. आई एम वेरी शॉर्ट. मेरा कोई क्रश, मेरा क्रश गोविंदा था. गोविंदा उस टाइम पे. अभी राइट नाउ 365 डेज वाला जो हीरो है, आई लव हिम. मम्मी पापा आप लोग देख रहे हो तो
ऐसा ही हस्बैंड चाहिए एकदम. वेयर इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड वी हैव सीन हिम ओवर वीडियो कॉल्स एंड ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. ऑफ कोर्स दुष्यंत शर्मा, वी आर डूइंग द नेक्स्ट व्लॉग फॉर श्योर. 10th एंड 12th मार्क्स क्या है यार, क्या क्या. 10th में मेरे 8 CGPA थे और 12th में आई गॉट 79.5. या सो एनी प्रैंक ऑन योर मॉम, श्योर श्योर श्योरली आई गोना डू इट. माई ड्रीम इज टू बिकम फेमस. I just want that everybody know me or my dream ki main apni mom ko ghar de paun. All your boyfriend names. No. Know how to move on from. Move on karne ke liye sabse acha hai just accept the fact it's over. Forgive him. Stop saying bad things about him. Dusre logo ko jaake batao mat ki meri zindagi mein ye hua hai, usne mera dil tod diya. Mat karo yaar. Forgive that person because जितना आप दिल में ग्रज करोगे, जितना उसके बारे में बुराई करोगे, उतना ही आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे. याद रखना इस बात को. जस्ट टेक माई नेम वंस. ओके ड्रीम कैचर 2021 प्लीज. आई विल बी हैप्पी. व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू स्टार्ट योर करियर थ्रू सोशल मीडिया? मतलब सोशल मीडिया इज लव फॉर मी बिकॉज को मैक्सिमम कॉन्फिडेंस यहीं से ही मिलता है. सोशल मीडिया इज लाइक माई लाइफ. दैट इज सो स्टूपिड. ऑल्सो ऑल दीज क्वेश्चन जहाँ पे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं फॉर माई वर्क, थैंक यू सो मच गाइज. इट्स आप लाइफ में खुश रहो हमेशा. ओके हैव यू एवर कॉट विद योर बॉयफ्रेंड बाय योर मॉम एंड डैड? ऐसे पकड़ ही नहीं गई हूँ भाई, भगवान की कृपा से ऐसे कभी पकड़ी नहीं गई हूँ. बट कॉल पे बहुत बार पकड़ी गई. एक बार तो मम्मी ने इतना पीटा था मुझे 9th क्लास में, लिटरली मैं वॉशरूम में चुपी थी, मम्मी ने बाहर निकल किससे बात कर रही है. मैं हमेशा बोलती थी मम्मा मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, मम्मी मेरा पेट खराब है. एंड आई यूज टू डू दैट कि वॉशरूम में घुस के मैं बात कर रही होती थी अपने बॉयफ्रेंड से. आई थिंक वी ऑल हैव डन दैट, है ना. ये मैं मम्मी बहुत मारेंगी, उनको वीडियो नहीं दिखाऊंगी मैं. एनी वेज, हैव यू एवर अ पर्सन इन अ वे दैट यू रिग्रेट? नो, बिकॉज मैं जैसी भी रही हूँ या मैं जैसी भी हूँ, मैंने कभी रिग्रेट नहीं करा. बिकॉज यार हम अपने जैसे हम होते हैं उसे हम सीखते हैं. एंड अबाउट योर अपने पास को कभी कोसो मत, उससे सीखो. वाओ ज्ञानी वैष्णवी है. योर बिगेस्ट फ्लॉ? आई एम फ्लॉलेस. अपने आप को पसंद करोगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको पसंद करना शुरू कर देगा. आप बोलोगे हाँ मेरी हाइट तो परफेक्ट है, मेरी स्किन तो परफेक्ट है, मेरे हेयर परफेक्ट है, आई एम परफेक्ट. सो आपके अंदर कोई कमी निकाल ही नहीं सकता है. और जो निकालते हैं कमी ना, याद रखना वो खुद से इनसिक्योर होते हैं हमेशा. वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टैंड अबाउट यू? आई डोंट विश एनीथिंग फ्रॉम पीपल बिकॉज जैसी मैं हूँ ठीक हूँ और मुझे आपके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. ओके इफ यू गुड गो बैक इन टाइम टू चेंज वन थिंग, वॉट वुड बी? नथिंग. आई रियली मिस माई बाबा. सो आई विश कि मैं उन्हें वापस लेके आ पाती बिकॉज मुझे उनका एक बात याद आती है. बात वो मुझे ना सुबह मतलब जाती थी जब दादा दादी के ऐसे समर वेकेशंस में जाते हैं ना, तो मुझे बोलते थे सुबह उठ के 5 बजे, मेरे घर का नाम जया है, जया उठ सुबह उठ के वर्कआउट करना चाहिए, दौड़ना चाहिए. और मैं कहती नहीं बाबा मेरे को नहीं करना है. और अब मतलब आई हैव बीन दिस पर्सन कि मैं वर्कआउट बहुत करती हूँ. सो आई रियली मिस हिम. मुझे बहुत याद आती है मेरे बाबा की. वो एकदम ही चले गए. अगर वो होते तो कितने खुश होते कि कसरत करने के लिए मैं बोलता था अब करती है मेरी बिटिया. आई मिस यू बाबा. आई नो यू आर अराउंड मी. ओके व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट पीरियड? आई गॉट इन, बैठी हुई थी ठीक है, मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरी वाइट स्कर्ट एकदम रेड हो गई. मैंने कहा मम्मा मेरे को कुछ हो गया. मेरी मम्मी ने मेरे को समझाया कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं था. ब्रेकअप के बाद आपने उसे ब्लॉक किया या उसने या बस अनफॉलो किया, डिलीट किया, कॉन्टैक्ट किया? देखो अगर आप किसी से मूव ऑन करना चाहते हो तो जस्ट रिमूव दैट पर्सन, नॉट बिकॉज यू हेट देम, जस्ट बिकॉज फॉर योर सेल्फ. तो या आई रिमूव देम. वर्कआउट के बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है. मैं पिछले 1.5 साल से वर्कआउट कर रही हूँ. मैं घर पे ही वर्कआउट करती हूँ. आई ट्राई कि शुगर मैदा और फ्राइड चीजें मैं थोड़ी सी कम खाऊं. खाती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूंगी. बट उसके बाद वॉक जरूर करती हूँ. 10 to 15 kg में वेट उठा लेती हूँ. तो आराम से यूट्यूब से देख के मैं एक आधी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में जो मैं यूट्यूब वीडियोज फॉलो करती हूँ, सो दैट यू कैन गेट आइडिया. खाने में सिर्फ कोई ऐसा डाइट नहीं है. दूध, ड्राई फ्रूट्स, घर का खाना, दाल चावल, रोटी, सब्जी जो मम्मी बना. हाउ योर मॉम इज सो कूल यार, लकी यू एंड शी इज द क्यूटेस्ट. और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टू यूनिवर्स कि मुझे इतनी अच्छी मम्मा मिली. एनी सजेशन फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस? अपना कॉलेज लाइफ इंजॉय करो जितना कर सकते हो. मैंने भी करा है.
क्योंकि कॉलेज लाइफ सच में दोबारा नहीं आता. पर्सनली मेरे को स्कूल लाइफ से ज्यादा अपना कॉलेज लाइफ पसंद है. जो पिक्चरें देखी है बंक कर करके, भाई मेरे चक्कर में बंक मत मारना, बट हाँ कभी कभी चलता है. दोस्त जो मेरे कॉलेज में थे आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे. सो कॉन्फिडेंट, हाउ टू गेट ओवर डिप्रेशन एंड टॉक्सिक पीपल. कट द टॉक्सिक पीपल, जस्ट कट द टॉक्सिक पीपल. आप बस उनसे डिस्टेंस बना लो. और हाउ टू गेट ओवर डिप्रेशन, इट टेक्स टाइम. द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दोज थिंग्स, कि यार जो हुआ ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी लाइफ में ग्रोथ करूंगी. ये सब बोलना बहुत आसान होता है मैं जानती हूँ, लेकिन पता है लाइफ में ना सब अपनी जर्नी के हिसाब से आते हैं. सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सब अपनी अपनी चीजों से सीखते हैं. सो यू विल ऑल्सो लर्न, डोंट. और हाँ, हाउ टू बिकम सो कॉन्फिडेंट. आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. जैसी हूँ, गिरती पिड़ती रहती हूँ, जो हूँ ठीक हूँ. ठीक है, what's your best dance move? मैं हर टाइम ये वाला स्टेप करती हूँ. खैर, कितना बेवकूफ लग रहा होगा यार ये कैमरे में. एनीवेज, सीक्रेट टैलेंट. मैं हंसते हुए सुअर की आवाज निकालती हूँ. द लास्ट क्वेश्चन, आर यू वर्जिन? आई वुड से क्यों बताएं. Anyways, so that's it for the video. Thank you so much for listening. और I hope मैंने सबके questions के answer दिए हो. और ऐसा ही कोई और भी questions अगर आप जानना चाहते हो तो I will make part 2. So till then, don't forget to subscribe to my channel. Also like, share, comment. Vaishnavi Srivastava signing off. Bye bye. तो ये video prank थी guys. कोई relationship में नहीं, वही सब झूठ था. झूठ था. Bye.